तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वाले वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे नेपाल और कतर के बीच में दोस्तों जो एसीसी मेंस वनडे प्राइमर कप का जो 19वां मुकाबला खेला जाएगा इसकी ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो आखिर दोस्तों क्या कुछ है दोनों टीमों के रिकॉर्ड, किस पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा और क्या कुछ जो है ड्रीम 11 टीम हो सकती है इस मुकाबले में हमारी, और सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ रिकॉर्ड है दोनों ही टीमों का। ये मुकाबला दोस्तों त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड कीर्तिपुर में खेला जाएगा, जहां पर दोस्तों पिछले 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों टीमों की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 5 मैचों में लगातार नेपाल की टीम जो दोस्तों वो जीत कर आ रही है। पिछले 5 के 5 मैचों में नेपाल की टीम को जीत मिली है। वहीं पर दोस्तों कतर की टीम पिछले 5 मैचों में से 3 मैचों में लगातार हार करा रही है, और उसके बाद उससे पहले जो 2 मैच खेली थी उसमें जो है दोनों ही मुकाबलों में कतर की टीम जीती थी, और उसके बाद लगातार 3 मुकाबले हार करा रही है दोस्तों। इस लीग में एसीसी प्राइमर कप का जो दोस्तों जो लीग है टूर्नामेंट में दोस्तों कतर की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में हार कर आ रही है। वहीं नेपाल की टीम दोस्तों 2 मुकाबले में जीत कर तो वहीं 1 मुकाबला इनका जो है ड्रा हो गया था। दोनों टीमों की अगर पिछले जो है दोस्तों 10 मैचों की अगर बात करें पिछले 10 मैचों की, तो नेपाल की टीम ने पिछले 10 मैचों में लगभग 90% जो है मुकाबले वो जीते हैं, और वहीं पर 221 रन का जो है दोस्तों एवरेज यानी कि 221 रन तक जो है दोस्तों बना रही है नेपाल की टीम। वहीं इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 310 रन का रहा है। वहीं लोवेस्ट स्कोर 100 रन का रहा है। तो वहीं कतर की अगर टीम की बात करें पिछले 10 मुकाबलों की, तो पिछले 10 मुकाबलों में कतर की टीम को लगभग 50% जो है मुकाबले वो जो है कतर की टीम जीत कर आ रही है। वहीं जो है 50% मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है कतर की टीम को। वो एवरेज जो है दोस्तों 207 रन तक बना लेती है कतर की टीम। वहीं 264 हाईएस्ट स्कोर रहा है, 154 लोवेस्ट स्कोर रहा है। और उसके बाद जो दोस्तों अगर इस पिच पर अगर बात करें दोनों टीमों की, तो इस पिच पर 10 मुकाबले जो है खेली है नेपाल की टीम ने, और 10 के 10 मुकाबलों में जो है जीती है नेपाल की टीम। यानी कि जो दोस्तों नेपाल का ग्राउंड है, नेपाल के होम ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है नेपाल की टीम। यानी कि नेपाल की टीम भी इस मुकाबले को जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं नेपाल की टीम को इस मुकाबले के। और उसके बाद 251 रन तक एवरेज इस पिच पर जो है बना लेती है नेपाल की टीम। 310 हाईएस्ट स्कोर रहा है, 100 रन का लोवेस्ट स्कोर रहा है इस पिच पर नेपाल की टीम का। वहीं कतर की टीम की अगर बात करें इस पिच पर, तो पिछले 1 मुकाबले में जो है 1 मुकाबला इस पिच पर खेली है कतर की टीम, और वो जो है वो भी दोस्तों कतर की टीम उस मुकाबले पर हार गई है। और उसके बाद 216 का एवरेज है, 216 हाईएस्ट है, और वहीं 216 लोवेस्ट भी है दोस्तों। यानी कि मात्र 1 मुकाबला इस पिच पर खेली है कतर की टीम, तो वही सब 216 रन बनाई थी उस मैच में कतर की टीम ने, और वो मुकाबला हार गई थी। और उसके बाद बात करते हैं इस पिच पर पिछले 10 मुकाबले जो खेले गए हैं उसमें जो है दोस्तों पिछले 10 मुकाबले में पहले जो है 60% जो है मैचेस में, यानी कि पिछले 10 मुकाबले में 6 मैचों में जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो वहीं 4 मैचों में पहले जो है गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है। इस पिच का जो बैटिंग एवरेज है पहले इनिंग का 296 रन का रहा है, वहीं दूसरी इनिंग का 217 रन तक बन जाते हैं दोस्तों दूसरी इनिंग में। यानी कि पहले जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है ज़्यादातर इस मुकाबले इस पिच पर जो है दोस्तों जीतती हैं। 471 रन इस पिच का हाईएस्ट स्कोर रहा है, जो कि दोस्तों यूएई की टीम ने बनाया था पिछले 2 से 3 दिन पहले इसी जो है इसी लीग में सिंगापुर के खिलाफ। और उसके बाद जो दोस्तों लोवेस्ट स्कोर 113 रन का रहा है। वहीं हाईएस्ट चेस जो है दोस्तों 236 रन का रहा है, जो कि नेपाल और मलेशिया के बीच में खेला गया था। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से प्लेयर को हम अपनी टीम में रखने वाले इस मुकाबले में। तो अपनी ड्रीम 11 टीम बनाकर आपको दिखाते हैं दोस्तों कि आखिर क्या कुछ जो है ड्रीम 11 टीम होने वाली आज की इस मुकाबले की। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है लियांगे का, जो कि दोस्तों 1 डाउन यानी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। 1 विकेट गिरने के बाद जो दोस्तों बल्लेबाजी करने आते हैं लियांगे विकेट के, उसके साथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो बेहतरीन प्लेयर होने वाले इस मुकाबले में लियांगे आसिफ शेख, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सभी मुकाबलों में पिछले 2 मुकाबले खेले हैं आसिफ शेख ने, और दोनों ही मुकाबलों में बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं दोस्तों आसिफ शेख, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी खासी जो है बल्लेबाजी करके दे सकते हैं कि बेहतरीन बल्लेबाज हैं आसिफ शेख, ओपन बल्लेबाजी करते हैं तो आपको अच्छी खासी पॉइंट दिला सकते हैं। मोहम्मद रिजलान इकबाल का मैं आपको बता दूं, ये 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों मोहम्मद रिजलान इकबाल, तो आप चाहे तो इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बेहतरीन बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजलान इकबाल,
पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों। और उसके बाद चलते हैं बल्लेबाजी सेक्शन में, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों हम रख लें जो है लियांगे को। और उसके बाद चलते हैं जो है बल्लेबाजी सेक्शन में, बल्लेबाजी सेक्शन में सबसे पहला नाम आता है दोस्तों कुशल भरोटेल का, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करते हैं नेपाल की टीम की तरफ से। तो बहुत बेहतरीन वाले बल्लेबाज हैं दोस्तों। के शहजाद, खुर्रम शहजाद, जो कि दोस्तों छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे, छठे से सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे दोस्तों खुर्रम शहजाद। और उसके बाद जो है दोस्तों भीम शार्की, जो कि दोस्तों तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं नेपाल की टीम की तरफ से। रोहित कुमार पुडेल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक वाले बल्लेबाज हैं रोहित कुमार पुडेल। गेंद्र मल्ला पिछले तीन मुकाबलों में, जिसमें दो मुकाबला खेली है नेपाल की टीम, दोनों मुकाबलों में ये नहीं खेले हैं, तो आई थिंक इस मुकाबले में भी नहीं खेलने वाले हैं। कामरान खान जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करते हैं कतर की टीम की तरफ से, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं इस मुकाबले में कामरान खान, क्योंकि मात्र 5% लोगों ने दोस्तों सेलेक्ट किया है कामरान खान को। तो आप जो है ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, अच्छी खासी विनिंग करा सकते हैं, अगर अच्छी खासी पारी खेल गए तो अच्छी खासी आपको विनिंग करा सकते हैं कामरान खान, क्योंकि ओपन बल्लेबाजी करने आते हैं। जहीर इब्राहिम जो कि दोस्तों ये भी ओपन बल्लेबाजी करते हैं जो है कामरान खान के साथ में, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाले हैं इस मुकाबले में जहीर इब्राहिम भी। आरिफ सैफ का मैं आपको बता दूं कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे, और साथ ही साथ 6 से 7 ओवर की गेंदबाजी भी आपको करा के दे देंगे, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में बुरी तरह से ये भी फ्लॉप रहे हैं दोस्तों। तो ये प्लेयर जो है आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, बाकी हेड टू हेड में आप इन्हें पूरी तरह से जो है बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, कि हेड टू हेड में कुछ खास प्लेयर होने वाले हैं नहीं, बाकी ग्रैंड लीग में आपको अच्छी खासी जो है विनिंग करा सकते हैं ये प्लेयर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बल्लेबाजी ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों सबसे बेहतरीन जो चॉइस होने वाले इस मुकाबले में मोहम्मद तनवीर, जो कि दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों पूरी गेंदबाजी कराते हुए दिखाई देंगे आपको मोहम्मद तनवीर। कुशल मल्ला जो कि दोस्तों पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो है दोस्तों गेंदबाजी भी कराएंगे। लास्ट मुकाबले में इन्होंने 100 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाले इस मुकाबले में। मोहम्मद इकरमुल जो कि दोस्तों छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे और पूरी गेंदबाजी कराएंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कराते हैं मोहम्मद इकरमुल, बहुत ही भरोसेमंद गेंदबाज हैं जो है कतर की टीम की तरफ से, तो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाले इस मुकाबले में मोहम्मद इकरमुल। दीपेंद्र सिंह ऐरी जो कि दोस्तों आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे नेपाल की टीम की तरफ से, आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ 6 से 7 ओवर की जो है दोस्तों गेंदबाजी कराने वाले हैं, तो ये भी बेहतरीन चॉइस होने वाले इस मुकाबले में। अगर जो है अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं, कम रन देते हैं, तो 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी करा कर दे देंगे, अगर थोड़े महंगे साबित होते हैं तो 6 से 7 ओवर की गेंदबाजी आपको कराएंगे दीपेंद्र सिंह ऐरी। और अगर इन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं दोस्तों। ये शुरुआत में पहले जो मैचेस होते थे उसमें नेपाल की टीम की तरफ से ओपन बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इसलिए इन्हें इस समय इन्हें काफ़ी नीचे आई नहीं, आठवें नंबर पर भेजा जा रहा है दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए। अगर इन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करके दे देंगे, और गेंदबाजी भी अच्छी खासी करते हैं दोस्तों, 6 से 7 ओवर की अगर अच्छी खासी गेंदबाजी कर गए तो 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी भी करा के दे देंगे आपको। उसके बाद आते हैं दोस्तों आमिर फारूक आपको दोस्तों जो है सातवें से आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे, और साथ ही साथ जो है दोस्तों गेंदबाजी कराते हुए नज़र आ जाएंगे आपको आमिर फारूक। यस चमरन जो कि दोस्तों आपको गेंदबाजी कराते हुए नज़र आएंगे, बल्लेबाजी तो काफ़ी नीचे करते हैं दोस्तों, 9वें से 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, तो बल्लेबाजी में आप कुछ खास प्लेयर हैं नहीं, बाकी आपको गेंदबाजी करा के दे देंगे। 1% लोगों ने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ खास प्लेयर हैं भी नहीं दोस्तों ये। तो अब चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, हम ले लेते हैं मोहम्मद तनवीर को, कुशल मल्ला को, इकरमुल को एंड दीपेंद्र सिंह ऐरी को। बाकी आप चाहे तो जो है आमिर फारूक को ट्राई कर सकते हैं अपने रिस्क पर, बाकी गेंदबाजी में चमरन को भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में मोहम्मद मुराद जो कि दोस्तों आपको पूरी गेंदबाजी कराते हुए नज़र आएंगे, बेहतरीन गेंदबाज है, शुरुआत में गेंदबाजी कराते हैं। संदीप लमिचाने जो कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक वाले स्पिनर हैं, आपको पता ही होगा कि कितने खतरनाक वाले गेंदबाज हैं संदीप लमिचाने, क्योंकि IPL वगैरह भी खेल चुके हैं और बड़ी बड़ी जो है लीग वगैरह खेलते हैं, जैसे कि बिग बैश लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, बहुत ही खतरनाक वाले गेंदबाज दोस्तों संदीप लमिचाने। सोमपाल कामी भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है इस समय, लास्ट मुकाबले में इन्होंने बल्लेबाजी में भी बेहतरीन जो है अच्छे खासी रन बनाए थे, और साथ ही साथ गेंदबाजी तो शानदार करते ही हैं, 185 पॉइंट निकाल चुके हैं पिछले दो मैचों में। जो है दोस्तों केसी करन जो कि दोस्तों
डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं हर मुकाबले में दोस्तों। अगर ये नेपाल की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो डेथ ओवर में बेहतरीन जो है वो विकेट निकाल कर आपको अच्छी खासी पॉइंट दिला सकते हैं। के सी करण, लसित राजवंशी जो कि दोस्तों तीसरे नंबर पर गेंदबाजी कराने आते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं दोस्तों, 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी कराते हुए नज़र आ जाएंगे आपको, तो आप चाहे तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो दोस्तों मोहम्मद नदीम आपको गेंदबाजी कराते हुए नज़र आएंगे तो आप गेंदबाजी के लिए इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो दोस्तों कोई और प्लेयर हैं नहीं जो पिछले मुकाबले में खेले हों, ये प्लेयर जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, तो गेंदबाजी सेक्शन में हम ले लेते हैं दोस्तों मुराद को, संदीप लमिचानी को, मुराद को ड्रॉप कर देते हैं दोस्तों, संदीप लमिचानी को, केसी करण को, सोमपाल कामी को, एंड जो है दोस्तों गेंदबाजी में और किसी को लेंगे नहीं। तो कुछ इस प्रकार की जो है दोस्तों टीम हो चुकी है हमारी। अब चलते हैं और जो है गेंद बल्लेबाजों को ले लेते हैं। बल्लेबाजी में हम ले लेंगे दोस्तों भीम शार्की को, कुशल भरटल को, एंड दोस्तों जो है ले लेंगे खुर्रम सहजाद जो कि दोस्तों गेंदबाजी भी आई थिंक कराते हैं, मैं आपको देखकर बता दूं कि गेंदबाजी कराते हैं फिर नहीं कराते हैं, बल्लेबाजी नीचे करने आते हैं और गेंदबाजी भी कराते हैं दोस्तों। पिछले मुकाबले में एक ओवर की गेंदबाजी कराई थी, उससे पहले मुकाबले में भी एक ओवर की गेंदबाजी कराई थी और एक विकेट निकाल लिया था इन्होंने, और उससे पहले मुकाबले में एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं कराई थी। तो चलो इनको भी ले लेते हैं दोस्तों, की बल्लेबाजी में अच्छी खासी पॉइंट दिला सकते हैं। इनके अलावा आप कामरान खान को ले सकते हैं दोस्तों, ओपन बल्लेबाजी करते हैं। जहीर इब्राहिम को ले सकते हैं, ओपन बल्लेबाजी करते हैं, कभी कभार एक आधे ओवर की गेंदबाजी भी करा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी दोस्तों। एक काम करते हैं दोस्तों, खुर्रम सहजाद को हम निकाल कर जो है जहीर खान को ले लेते हैं कि ओपन बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं और एक आध ओवर कभी कभार गेंदबाजी भी करा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी दोस्तों हमारे इस मुकाबले के लिए। कप्तान हम बनाएंगे दोस्तों मोहम्मद तनवीर को, एंड वाइस कप्तान बनाएंगे दोस्तों कुशल मल्ला जो कि दोस्तों पाँचवें नंबर बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ गेंदबाजी कराएंगे। तनवीर जो कि दोस्तों चौथे नंबर बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी कराने वाले हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाले हैं दो प्लेयर जो है दोस्तों और कप्तान और वाइस कप्तान के लिए। इनके अलावा जो दोस्तों आप ग्रैंड लीग में बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं जहीर इब्राहिम कुशल भरटल को भी आप बना सकते हैं दोस्तों, ओपन बल्लेबाजी करते हैं। इकरमुल भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और संदीप लमिचाने खतरनाक वाले गेंदबाज हैं दोस्तों, अच्छी खासी जो है विकेट हर मुकाबले में निकाल लेते हैं। अगर पहले नेपाल की टीम गेंदबाजी करती है तो आप केसी करण को बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। फिलहाल हम बनाएंगे दोस्तों तनवीर को, एंड कुशल मल्ला को।